खाना तू खा बातें पचा सलिल के साथ छोटे ब्रेकफास्ट बुधवार पे तू आ। अरे आई मीन सॉरी यार, वेलकम टू ब्रेकफास्ट बुधवार एंड ऑफ कोर्स मेरे इस खूबसूरत रेस्टोरेंट / मेरे चिल आउट जोन में आप सबका स्वागत है। एंड ब्रेकफास्ट बुधवार का ये एडवांटेज है, बाय द वे ये पूरा वीडियो जो मैं अभी शूट करने वाला हूँ रेडियो सिटी इंडिया पर यू कैन चेक इट आउट। प्लस ऑफ कोर्स मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट विल आल्सो अपीयर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो जो आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बेलीफ कैफे जो जुहू में आता है, तो अगर आप मेरा इस तरफ देखेंगे तो इस पृथ्वी दैट साइड इज सन एंड सैंड होटल, उसके बिल्कुल बीच में आता है। और जो ज्वेलरी लवर्स हैं देयर इज अनदर आम्रपाली हियर, सो इट्स राइट इन द मिडल ऑफ दैट। मेरे पास आज एक बहुत ही स्पेशल टीचर मुझे ज्वाइन कर रही है जो रेडियो की इतनी फनकार भी है लेकिन रेडियो का बाइबल पढ़ चुकी है, और आज वो मेरी गेस्ट होंगी ब्रेकफास्ट बुधवार पर। सो विल मीट हर एंड गो एंड ईट। All right, excitement, and even more excitement because of this 50% off on dining bills at the Zomato Gold Dining Carnival, boss. और तभी मैंने सोचा कि थोड़ा मेरा भी पैसा बच जाएगा ना, so we'll come in. Okay, breakfast बुधवार पर, like I said, DJ आप लोग wait कर रहे थे एक लेडी का जो PhD कर चुकी है रेडियो में। ऐसे रेडियो का कोई PhD नहीं है। और पता है, a couple of months back हमारे पास एक ऐसे लड़का आया था जो ऐसा कोई रेडियो स्टेशन नहीं था जहां पे उसने ऑडिशन नहीं दिया था, और उसका जब हो गया था तब कोरोना आ गया था। फिर एक टीचर आए थे हमारे पास जिनका सो सैड फरवरी 2020 में रेडियो सिटी के अंदर हो गया था और फिर कोरोना आ गया था, और वो चेतना कॉलेज में पढ़ा रहे थे। आज हमारे पास एक और ऐसी टीचर है जो 6 साल पहले रेडियो सिटी कभी आई थी। नम्रता जी, थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सलील, थैंक यू सो मच। सो ब्रेकफास्ट बुधवार एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली बिहाइंड अस आल्सो द Zomato गोल्ड कार्निवल जो है ना, उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है सारे खाने पर। बेलीफ दिस अमेजिंग रेस्टोरेंट दैट वी आर एट। अब मैं कुछ जगहों का ना, आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स नहीं जाता है। अगर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ जाए एक रेस्टोरेंट की तो मैं हर दो दो हफ्ते में उसी रेस्टोरेंट पर आता हूँ वही चीज़ खाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले आम पन्ना मेरा ऑर्डर कर रखा है, तो कैन यू गिव मी माय आम पन्ना। मैम को मैंने ऑफर ही नहीं किया कुछ पहले, आपका खाना आ रहा होगा मैम, बट सो वंडरफुल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दस। और ये अरे वाह, ये तो एकदम मैजिक की तरह अपीयर भी हो गया है। सो दिस पराठा, बिकॉज इट्स ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट वील टॉक, बट आपको शर्माने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन आपका ये जो रेडियो PhD है, एक अलग किस्म का PhD आपने किया है, ये हमारे सारे श्रोताओं को सुनाओ और जो लोग देख रहे हैं रेडियो सिटी इंडिया पर उनको भी बता दो कैसे आपका ये रेडियो का फैमिली हुआ है। 2017 में आप शायद हमारे साथ हो सकते थे। Yes, so maybe I could say कि मेरी मम्मी डैडी को मैं बहुत ब्लेस करूँगी, क्योंकि जब हम स्कूल में थे तो उन्होंने सोचा कि टेलीविजन इज अ डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, तो उन्होंने उसी टाइम पे व्हेन आई वाज इन लाइक डूइंग माय स्कूलिंग एंड ऑल, और भाई का 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स था, तो उन्होंने टीवी निकाल दिया था। मैं छोटी छोटी थी तभी, लाइक आई बिलीव आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, एंड वी हैड दिस रेडियो का छोटा सा सेट, फिलिप्स वाला छोटा। सो तभी आई स्टार्टेड लिसनिंग टू रेडियो एंड फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग यू नो यू कैन आई कैन नॉट लुक बैक। बट पता है रेडियो के ना दो तीन ऑप्शंस होते हैं। लोग बोलते हैं कि हमें दोपहर वाला रेडियो पसंद है, हमें लेट नाइट रेडियो जो पुराने गाने होते हैं वो पसंद है। कुछ लोग बोलते हैं सलील तुम्हारा मॉर्निंग वाला शो होता ना, थोड़ा सुन के ऐसे एनर्जाइज हो जाते हैं, कुछ जान लेते हैं। तो आप यार ये तो बड़ा टेस्टी खाना आ रहा है, ये क्या है भाई, दिखाओ भाई यार ये बड़ा, ये आई लाइक दिस प्लेस, क्या है ये? वैसे आप इतना बोलते हो, आप बता दो क्या है। ओ ब्रदर, ये तो आप खाएंगे नहीं खाएंगे आप? मैं हम तो जरूर खाएंगे, डोंट वरी। नॉर्मली हम खाते नहीं है लेकिन आज हम खाने का मन कर रहा है। बट आप कौन सा रेडियो पसंद करते हैं, किस टाइप का? आई लव ऑल द शोज, ऑल द प्रोग्राम्स, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। इनफैक्ट मैं जहां पे रेडियो नहीं चलता मैं वहां इरिटेट हो जाती हूँ, and that way. So I know RJs आपको irritate नहीं करते हैं? No, very not at good. all. In fact, I enjoy even listening to the commercials. So मुझे jingles याद है. In fact, मुझे ये भी पता है कि Radio City रग रग में दौड़े, city से लेके रग रग में दौड़े, Mumbai city कब change हुआ है. So I've been listening from that. You must have wanted to also be a part of Radio Station. I wanted, like I still wanting to the you know do radio, but somewhere back of the mind I feel कि मैं उतनी proactive नहीं हूँ कि अच्छा अभी कुछ बनाना है, jingle बनाना है, अभी कुछ नया करना है, वो creative मेरे को थोड़ा slow है। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि आज हम खाना खा के फट जाएंगे। It's too tasty this food यार। ये मैं मशरूम तो खा सकते हैं। I'll try because if I start eating then मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो कोई tension नहीं है, don't worry, मैं break ले लूँगा थोड़ा सा। तो breakfast बाजार पर एक थोड़ा सा break लेंगे and we'll also find out कहाँ ये पढ़ाती हैं और कैसे रेडियो की जो ख्वाहिश रही है इनकी,
आज मैं इनको एक आइडिया भी दूंगा पॉडकास्ट बनाने का, और इतना सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, आप अपने फोन पे पॉडकास्ट बना सकते हैं। तो आप अगर आपने कहानी लिखी, आज आप कहानी सबको सुनाएंगे जो मैं रेडियो पर सुनाऊंगा, तो आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं आपकी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, आपको बताऊंगा पॉडकास्ट कैसे बनाना है, और तीसरी आप हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे इस टोस्ट को खाके, है ना। वेलकम राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, आप ब्रेकफास्ट बुधवार पर है। तो आप आरजे हैं और मैं आपके शो पर अब गेस्ट पे आया हूं, तो आप कैसे करेंगे शो? Okay, instead of that, I can do this, कि देखो ना सोचो ना, हुआ क्या है यहाँ इत्तेफाक से, लम्हे जो मिलते हैं खिलते हैं यहाँ इत्तेफाक से, आप सोच रहेंगे इत्तेफाक से, सलील कहाँ गया, ये प्यारी सी आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? मेरी जी पहली बार जिंदगी में मेरी आवाज को प्यारी बुलाया किसी ने मैम। नहीं मैं बहुत ही मेरे को अच्छा लगा, आवाज को प्यारी बता रही हूँ कि ये प्यारी सी आवाज किसकी सुनाई दे रही है? जी हाँ, मैं आ गई हूँ आपकी नटखट सी निम्मी, आज सलील के शो पे मैं अपना शो करूंगी और आपसे बातें करूंगी, गुफ्तगू करूंगी, ढेर सारी मस्ती होगी, मजाक होंगे, तो बने रहिए नटखट सी निम्मी के साथ। वाह, आपने नम्रता से निम्मी कर दिया अपना नाम। I like it. आज हमें बड़े मजा आया, सो थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू सो मच सलील। और हम एज यूजुअल खाली आते हैं, तो आपको बस खाना खिला सकते हैं। नहीं बट मैंने आपके लिए कुछ लाया। अच्छा आओ लाया लो कुछ। दिस इज फॉर यू। क्या बात कर रहे हैं, इसको खोल सकता हूं अभी? हां आप खोल सकते हैं। चलो कैमरा पर खोलते हैं। वैसे मैं कहता हूं मेरे को गिफ्ट्स पसंद नहीं आते, लेकिन बहुत मजा आता है जब कोई गिफ्ट लेके आता है। दिस इज स्मॉल लेटर। ओह माय गॉड, राइटिंग, मेरी राइटिंग है ना 5 साल की बच्ची की तरह, मेरी राइटिंग क्या राइटिंग है, मैं प्राइवेट ऐसे दिखा नहीं है, बस दूर से दिखा रहा हूं। नेम द आई एम सीइंग, वाओ, आई विल रीड इट, ठीक है, आर यू रेडी? हे सलील, यू नो द क्रिएटर इज वेरी स्मार्ट, डिड नॉट गिव द पावर ऑफ आर्ट टू एवरीवन। क्रिएटर मतलब भगवान। वी ऑल कैन विजुलाइज इमेजिन आवर वर्ल्ड इन आवर वे, बट वी लैक द स्किल ऑफ मेकिंग एवरीवन विजुलाइज व्हाट वी आर थिंकिंग, what our thought process is, what we want to talk to people about certain things. If everyone would have been blessed with this art, then the respect would have been lost in the crowd. And this is the reason I love our creator, that he has blessed this art only to those who respect it and dedicate their lives in making it happen. I'm here not only to appreciate you, but also to praise your dedication. I know only exceptional people understand the hard work and dedication behind art and creativity. My prayers, wishes and love are always with you. I will pray to God that he keeps sending appreciation and showers love on you. Such a beautifully penned letter. मैं भी अब मेरे को इमोशनल कर दिया है, क्योंकि मेरे जो दोस्त जो हमारे साथ काम करते हैं ना, वो ऐसा कभी जिंदगी में लेटर नहीं देख सकते मेरे को, बट क्लियरली मेरी आंखें जा रही हैं वो आंख, बट आई एम सो ब्लेस्ड एंड हम्बल्ड बाय दिस लेटर ऑफ योर्स, एंड ट्रूली ओनली अ टीचर कैन राइट लाइक दिस, क्योंकि उनको खुद ही आर्ट ये समझ में आता है। और भी है, रुक जाइए, वाह वो सर मानी जी, हमें हम कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम ले रहे हैं। सच अ ब्यूटिफुल विजुअल आर्ट है, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, सच अ प्लेजर। थैंक यू, मेरा तो मन कर रहा है कि जैसे वो आंटियां होती है ना जो और खाना खिलाती है, बेटा और खाओ और खाओ, मैं से आपको ठुसा दूं, बट रियली सो स्वीट ऑफ यू। अगर आप भी ब्रेकफास्ट बुधवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, देन यू नो द व्हाट्सएप नंबर, हमारा नया बड़ा व्हाट्सएप नंबर है जो सब जगह चल रहा है, सलील आचार्य मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यू कैन डीएम मी देयर एनी टाइम यू वांट। Or of course, I'd like to thank Bailey for also beautiful, beautiful cafe, vegan food, very tasty, very yummy. Like I said, कि आप लोग का यार advantage है, हम ही आए, वो था ना, I always want to say this, सुनो, मेरा नाम लेके 30% discount ये use कर लेना है ना, Radio City वाला, and Zomato, है ना, the Gold Dining Festival, 50% discount, so you'll enjoy it. So thank you so much, being also gracious to join us. And like I said, हर हफ्ते बुधवार के दिन ही आता है, कहीं और दिन आप हमको बुलाना चाहते हैं कहीं पे, we'd love to come. I would love to see you guys. Bye-bye and take care.